और ये जो रेसिपी है खट्टी है, स्पाइसी है और डंडीदार है। ये डंडी से बनाएंगे इसको। वाह, इसमें थोड़ी कोई खुशबू होती है। इसको सिर्फ पानी के अंदर भिगो के रखा हुआ है मैंने, और अगर इसमें कुछ खुशबू देनी है तो क्या दी जाए। नहीं नहीं, इसमें कोई खुशबू ना दें, सिर्फ पानी के अंदर इसको भिगो के रखें, क्योंकि जो चीज़ मैं बनाने वाला हूँ वो है प्रॉन्स। और प्रॉन्स को आप ले लें, साफ कर लें और उसके बाद इसकी ये वेन निकाल लें, देखिए इस तरह से। और फिर ये जो प्रॉन्स हैं ये ले लिए, और अब ये प्रॉन्स को हमने मैरिनेट करना है। भाई इसमें नमक और उसके साथ साथ चॉप्ड गार्लिक, नींबू का रस, ये चीजें, नमक, गार्लिक और नींबू का रस। और अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं और इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। इसमें ये तेल, ये लीजिए, तेल डाल दिया और ये कर दिया मिक्स। और इसके बाद ये साते स्टिक्स पानी में भीगी हुई, और ये प्रॉन को आप इधर टेल एंड से इस तरह से आप इसे लगा लें, ये इसलिए ताकि ये प्रॉन एकदम सीधे रहें। और अब इसे हमने ग्रिल करना है। ये प्रॉन, ये जो लकड़ी है इसको गीला इसीलिए किया था ताकि ये जले नहीं। ये लीजिए, अब क्या करना है, अब इसकी एक सॉस तैयार करनी है, बहुत ही सिंपल सॉस। प्याज ये बारीक कटा हुआ, और इसको एकदम बारीक, थोड़ी ये चिली, फ्रेश रेड चिली, ये देखिए, ये प्याज और लाल मिर्च इस बोल के अंदर। प्रॉन्स का क्या हाल है, प्रॉन्स को पलट ले, ज्यादा नहीं इसे पकाना। और अब ये देखिए, अब नींबू का रस, अच्छा इसमें नमक, और इसके बाद थोड़ा सा सोया सॉस। ये जो प्रॉन्स हैं इस पे थोड़ा थोड़ा तेल, और अब ये परोसने के लिए तैयार। थोड़े से ये मुझे चाहिए लेटस लीव्स, और ये इस ग्लास में। और अब ये जो सॉस है इसमें, और ये जो प्रॉन्स हैं ये लीजिए, और इसमें। वाह, कुछ कहने की जरूरत नहीं,